हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल लीला साई कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलोवेरा के ऊपर। आज हम एलोवेरा के फायदे नुकसान सबके बारे में जानेंगे। तो अगर मेरा वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम एलोवेरा के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एलोवेरा से संबंधित छोटी छोटी बातों को जानेंगे जो शायद आपको आज तक पता ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एलोवेरा के प्रजाति के ऊपर। तो दोस्तों, एलोवेरा के बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं, जिसमें से दो प्रजाति ऐसे हैं जो हमारे स्किन को और हेयर को, मतलब स्किन और हेयर के लिए फायदेमंद है। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको। तो हमारे पास दोनों ही प्रजाति के पत्ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक तो ये है, ये देखिए ये है, और दूसरा देखिए ये है, देख रहे हैं, ये देखिए। तो दोनों में क्या फर्क है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा डीप ग्रीन होता है, ये देख रहे हैं ना, ये डीप ग्रीन होता है, और ये दोस्तों थोड़ा लाइट ग्रीन होता है। फर्क देखिए दोनों में, दिखा ना, पहला ये है अंतर दोनों में। दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि ये देखिए दोस्तों, इसके स्किन पे कहीं भी डॉट नहीं है, देख रहे हैं, कहीं भी आपको डॉट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें दोस्तों आपको देखिए, ये छोटा 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 देख रहे हैं दोस्तों, एक मिनट, ये देखिए, ये छोटे 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 जो डॉट देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे हो, और इधर भी है देखिए, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो दोस्तों, एक हमारी स्किन के लिए ज्यादा फायदेमंद है और एक थोड़ा कम है, फायदेमंद दोनों है। तो कौन ज्यादा फायदेमंद है, कौन कम है, चलिए हम बताते हैं आपको। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ज्यादा ग्रीन है, जिसके ऊपर स्पॉट नहीं है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है और फाइबर की मात्रा कम होता है, ये लसलसा थोड़ा कम होता है। इसका जेल जब आप निकालेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसका इसमें लसलसापन कम होता है। और ये जो है दोस्तों, ये जो दूसरा वाला है, इसमें पानी की मात्रा कम होता है, फाइबर ज्यादा होता है, और इसमें लसलसापन थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। तो ये दोस्तों हमारे स्किन पे 75% असर करता है, तो ये हमारे स्किन पे 95% असर करता है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि घर में हम यही वाला एलोवेरा का पेड़ लगाएं, अगर मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर ये तो है ही। तो ये तो हुई एक बात दोस्तों। चलिए अब हम दूसरा इसके पेड़ के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका पेड़ कहीं भी आपको मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, या तो फिर आपके पास पहले से होंगे। आजकल तो हर कोई बहुत जागरूक हो गया है, सबके घर में एलोवेरा का गाछ पाया जाता है। और अगर आपके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जाके, मतलब आप जाके नर्सरी से भी ला सकते हैं, और फिर किसी दोस्त यार कहीं भी गए, आपको दिखा तो आप वहां से छोटा सा पेड़ निकाल करके ले आइए, मतलब कबाड़ करके ले आइए अपने घर में, लाके गमला हो गया, बगीचा हो गया, डब्बा हो गया, अगर गमला नहीं है तो डब्बे में भी, कहीं भी इसको लगा सकते हैं। ये मतलब इसको केयर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, फायदा इसका इतना है, लेकिन ये हमसे कुछ भी नहीं करवाता है, उल्टे यही हमारी सेवा करते रहता है। तो बताते हैं आपको दोस्तों कि इसमें पानी हम 10 दिन पे भी देंगे, 5 दिन पे भी देंगे, जाड़ा में तो खैर 15 दिन पे, लेकिन गर्मी में दो दो तीन तीन दिन पे इसमें हम पानी देंगे तो भी चल जाएगा। इसमें कीड़ा भी नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई कीटाणु भी इसमें नहीं लगता है। और दूसरी बात है दोस्तों कि इसमें खाद की भी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर आप खाद देना चाहते हैं तो केमिकल खाद बिल्कुल भी नहीं डाले, ऑर्गेनिक खाद डाले, और आप जाके कहीं भी किसी भी नर्सरी की दुकान, नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा, आप वहां से लाके इसमें डाल दें। और आप एक पेड़ अगर कहीं से छोटा सा निकाल के लाते हैं दोस्तों, या खरीद के लाते हैं, उसको गमले में लगा देते हैं, और वो थोड़ा बड़ा होगा तो आप देखेंगे कि उसके जड़ के नीचे गोल, उसमें छोटे छोटे बेबी ये एलोवेरा निकल आते हैं, बेबी प्लांट निकलेंगे, छोटे 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 एलोवेरा के पेड़, वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, जैसे इतने बड़े हो गए, तो आप उसको निकाल के और किसी भी दूसरे गमला में रोप दीजिए, मतलब वो एक सीरीज बन जाएगा, वो चलता ही रहेगा आपका, ठीक है। तो एक ही पेड़ मेरे लिए, हमारे लिए बहुत है, उससे कितने पेड़ हो जाएंगे आप गिन भी नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया पेड़ की बात। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर किसी चीज का फायदा है तो उसके साथ साथ उसका नुकसान भी होता है, प्लस और माइनस हर चीज में पाया जाता है। तो इसी तरह एलोवेरा में भी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों है। तो अगर इसमें फायदा 95% है इसका, तो 5% नुकसान भी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि नुकसान क्या है। इसमें कोई भी घबराने या डरने की बात नहीं है दोस्तों। तो जब हम इस पत्ते को पेड़ से काटते हैं दोस्तों, तो ये जो यहां से देखा ना, यहां से पीला रंग का एक द्रव्य निकलता है, पदार्थ निकलता है, देखिए जैसे ये देखा है ना, पीला पीला,
इस टाइप से, या फिर कि मैं आपको दिखाती हूँ इसमें, ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये देख रहे हैं ना, ये इसी में से निकला है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, ये जो येलो वाला पदार्थ है ना, ये टॉक्सिन होता है। हम कोशिश करेंगे कि इसका यूज हम बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब पेड़ पर से काट के लाएंगे दोस्तों, तो इसको ऐसे करके हम किसी भी थाली में या कटोरा में या किसी भी चीज पे ऐसे करके उल्टा करके इसको रख देंगे 2 घंटा 3 घंटा तक। उसके पहले हम इसको यूज नहीं करेंगे, 2-3 घंटे के बाद ये पूरा निकल जाएगा यहाँ से। उसके बाद हम इसको धो देंगे अच्छे से पानी से, सादा पानी से इसको पोंछ लेंगे, और उसके बाद अब ये हमारे यूज के लिए बिल्कुल भी तैयार है। तो दोस्तों ये क्या कहते हैं, इसमें अब इसमें क्या क्या कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है ये हम बात कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों विटामिन ए सी ई फॉलिक एसिड पाया जाता है, आयरन पाए जाते हैं, फिर विटामिन B1, B2, B3, मतलब प्रोटीन, विटामिन, फास्फोरस, हर चीज इसमें भरपूर मात्रा में होता है दोस्तों। तो इसको अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका यूज। तो दोस्तों कुछ लोग इसको पीते भी हैं दोस्तों, जैसे इसका यहां से हम ये जो देख रहे हैं, ये काटा यहां से निकाल दें, दोनों साइड से चाकू से, चाकू से हम यहां से इसको देखिए, यहां से हम इसको इसको निकाल देंगे, इधर से हम इसको निकाल देंगे, फिर बीच से इसको काट के, और बीच से बहुत आसानी से इसका गूदा निकल जाता है। इसको हम मिक्सर में चला लेंगे, और अगर वो भी आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बाजार से एलोवेरा का जूस ले आइए, जैसे पतंजलि का भी आता है, बहुत सारे कंपनी अभी तो बनाने लगी है, आप ले आइए और उसको यूज कीजिए, बहुत फायदेमंद है दोस्तों पेट के लिए, ये बहुत रामबाण इलाज है इसका। तो अब हम इसको लेते कैसे हैं दोस्तों, तो चलिए हम बता देते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। सुबह खाली पेट उठने के बाद हम फ्रेश व्रेश हो जाते हैं, उसके बाद 1 गिलास वार्म वाटर लेंगे, एकदम गुनगुना पानी, उसमें हम 2 चम्मच भरकर इसको इसके जूस को डाल देंगे और मिलाकर उसको पी लेंगे। उसके 1 घंटा तक हम कुछ भी नहीं खाएंगे या पियेंगे, 1 घंटा के बाद आप जो कर, मतलब जैसे अपना डेली रूटीन है वो कर सकते हैं। इसके फायदे क्या क्या है दोस्तों, मैं वो बता दूं, किसी भी तरह का कब्ज होगा, पाचन क्रिया आपका मजबूत करेगा, कब्ज खत्म हो जाएगा, वेट लॉस बहुत अच्छा होता है इससे दोस्तों। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप इसका यूज बेधड़क कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और दोस्तों अगर आपके पैर में कहीं भी जोड़ों में दर्द है, इधर दर्द है उधर दर्द है, बॉडी में कहीं भी दर्द है, तो इसके पीने से आप 8 दिन के अंदर ही देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है। हाँ एक बात और है दोस्तों, अगर आपको आपका पेट खराब है तो इसको बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपका पेट और ज्यादा खराब हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि इसके पीने से मेरा पेट खराब हो गया, तो पेट में दर्द है, तो ये है वो, उसका एक कारण ये होता है दोस्तों, जो हमने आपको अभी दिखाया था ना, ये जो पीला वाला पदार्थ है, इसको लोग नहीं निकालते और तुरंत पेड़ से काट के लाए और मतलब जल्दी जल्दी उसको बनाए और पी लिए, इसीलिए ये सब नुकसान होता है। और दोस्तों और बाजार के जूस लीजिएगा तब तो ये खैर झमेला ही नहीं है, उसमें तो पहले से ही वो सारा प्रोसेस किया हुआ रहता है। ये तो हो गया दोस्तों इंटरनली इसका फायदा। अच्छा अब बाहर से इसका फायदा लो दोस्तों है, स्किन पे इसके फायदे बहुत अच्छे हैं दोस्तों। अगर स्किन पे आपके कहीं भी काला दाग है, या फिर सनबर्न होया हुआ है, या किसी भी तरह का अगर आपके स्किन पे कहीं कटे का निशान है, जले का निशान है, तो आप इसको अगर इसका ये इसका आप क्या बोलते हैं, इसका गुदा अगर आप यूज करते हैं पैक बना के, या फिर इसका साबुन भी बनता है दोस्तों, साबुन बना के घर में, तो वो 8 से 10 दिन के अंदर आप देखिएगा कि बहुत अच्छा आराम मिल रहा है। आप इसको रात में भी लगा सकते हैं इसके जूस को, मतलब इसका नुकसान कुछ नहीं है। ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, आपका सेंसिटिव स्किन हो, किसी भी प्रकार का स्किन हो, ये आप बेधड़क लगा सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि ऑयली स्किन में जब हम इसका मास्क बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, तो जो चीज जिन चीजों को मिक्स करते हैं उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऑयली स्किन वाले इसमें क्या डाल के लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वाले क्या डाल के लगा सकते हैं। और रही बात फिर बालों की दोस्तों, तो बालों में अगर आपके रूसी है, या बाल झड़ रहा है, या दोमुहा हो गया है, तो आप इसको या सेटिंग जेल के रूप में भी आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। डरने का कोई बात नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, अगर ये आपको फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। तो दोस्तों अभी तो, और हाँ एक चीज और है दोस्तों कि हम इसको मान लीजिए कि हम, और ये देखिए दोस्तों एक चीज और बताना है कि आप कभी भी इसको पेड़ में से यहां से नहीं काटेंगे या यहां से नहीं काटेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी, ये गलत तरीका है काटने का। जब भी आप एलोवेरा के पत्ती को काटेंगे तो जड़ से निकालिएगा, या फिर एकदम जड़ के पास से आप काट लेंगे, ठीक है,
ये नहीं कि यहाँ आज जो रहता था इतना तोड़ लिया, इतना यूज कर लिया, इतना तोड़ लिया, ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। ऐसे नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका पेड़ खराब हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि एक बार जब हम इतना बड़ा पेड़ खरीद के लाते हैं तो इतना तो पूरा हम यूज करेंगे नहीं, तो इसको हम सेव भी कर सकते हैं। 1 महीना तक इसको कुछ नहीं होता है, तो इसको अब हम सेव कैसे करेंगे दोस्तों? तो मान लीजिए कि ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि प्लास्टिक अभी मेरे पास है नहीं, पॉलिथीन लेके यहाँ पे हम बांध देंगे, रबड़ लगा देंगे, तो यहाँ से मॉइस्चराइजर उड़ेगा नहीं। और बांध के आप आराम से 10 से 15 दिन तक इसको फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात है कि इसके जेल जो हम निकालेंगे, जेल तो आजकल हर किसी को आता है निकालने, अगर नहीं आता है तो हम आपको बता देंगे कि कैसे जेल निकाला जाता है। उसमें हम 2 से 3 बूंद नींबू गाड़ देंगे दोस्तों, और फिर इसको हम, या तो इसको आप बर्फ का स्कूप जमा लीजिए या फिर इसको बंद करके रख दीजिए। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि इसको प्लास्टिक या स्टील के डब्बे में कभी भी मत रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप कांच के बर्तन में, एयर टाइट बर्तन में इसको बंद करके और फ्रिज में रख दीजिए, और फिर आराम से यूज कीजिए। जिस जिस तरह से आपको यूज करना है बेधड़क यूज कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। और इसका फायदा नुकसान, मतलब इसको हम कैसे लगाना है, क्या क्या मिला के ऑयली स्किन वाला लगाएंगे, क्या मिला के ड्राई स्किन वाला लगाएंगे, बाल में हम कैसे यूज करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको अपने अगले वीडियो में बनाऊंगी। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम ये सारी बातें बना देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आप मेरा अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो जितना उपयोगी है आपके लिए, वो वीडियो इससे भी ज्यादा उपयोगी होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, फायदेमंद लगा हो, कुछ इसमें नया मैंने बताया हो आपको, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जरूर से याद से करके जाइएगा। हाँ, और ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।